तो गाइस गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आज हम अपना यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे थे तो एक अपडेट आती है जो हमारे क्रेजी एक्स वाई जेड हैं, जैसा कि आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे, तो उनको उन्होंने सांप ने बाइट कर दिया है और काट लिया है। तो फिर जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है उनके साथ और काफ़ी ब्लड लॉस हो गया है। तो हमारे शशिकांत भाई और मोहित भाई जो है रोते हुए उनके टीम मेंबर हैं, वो कार में वीडियो शूट करके जो है अपलोड करते हैं। सोचा नहीं था ऐसी वीडियो बनानी पड़ेगी। क्या बोले यार, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। यार हमने किसी का क्या बिगाड़ा था यार, ना हमने किसी का कुछ किया। और अमित भाई आपको पता है यार, उन्होंने आज तक किसी छोटे से छोटे जीव को भी कभी परेशान नहीं किया ना। हमेशा मतलब एक अपना काम, लोगों की हेल्प करना, क्या बताऊँ गाइस। जस्ट आपको जाके भी कुछ नहीं कर, गाइस जस्ट आपको इन्फॉर्म करना है भाई, जितनी भी आप दुआ कर सकते हो भगवान से उतनी दुआ करो यार। अमित भाई को अभी कुछ टाइम पहले हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, उनको स्नैक बाइट हुआ है और भाई खून देख के मतलब हमारी हालत तो बिल्कुल खराब हो चुकी है यार। इतने सांप बचाए यार हमने, इतने रेस्क्यू किए और पता नहीं था कि कभी हमारे साथ ऐसा होगा। अभी वो हॉस्पिटल में है, बाकी लोग उनके साथ हैं और हम लोग जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं भाई, आप जितनी दुआ कर सकते हो, जितनी दुआ कर सकते हो उतनी दुआ करो कि वो जल्द से ठीक हो जाए, जल्द से यार वापस से आए। ऐसी वीडियो बनाने का हमने कभी सोचा नहीं था, मतलब क्या बताऊँ यार, हमसे बोला नहीं जा रहा, क्या बात करें आपसे। बस आप तो यार जितना हो सके उतनी दुआ करो वो जल्द अपने साथ आए ठीक होके। और भाई हम तो कर ही रहे हैं प्रेयर, आप भी करो यार। और उसके बाद अपलोड करने बाद कुछ ही घंटों बाद इतने हेट्स फैलने लगते हैं कि घमंडी इंसान मर गया और अमित घमंडी था, ये है वो है, मर गया ठीक है, वो सब चीजें चलो ठीक है। लेकिन यार आप ये बताओ, मतलब किसी का नाम और फेम लेकर मतलब क्या करना चाहते हो? मतलब ये सबसे बहुत बड़ी गलत बात है। मतलब मुसीबत आई है, किसी को तकलीफ आई है, तो मतलब उसके खिलाफ वीडियो बनाओगे, आप व्यू छाप लोगे तो क्या बहुत पैसे कमा लोगे क्या? ठीक है आप ये नोट कर रहे हो कि ठीक है हम कुछ भी बना रहे हैं, लेकिन हम इंसानों से तो बच जाओगे, आप अमित से बच जाओगे, उनके टीम मेंबर से बच जाओगे, जो भी क्रिएटर है सब यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं बच जाओगे ठीक है, लेकिन ऊपर वाले से तो नहीं बचोगे ना। आपके साथ ये समस्या कल खड़ी हो सकती है, आपके फैमिली के साथ भी ये समस्या कल खड़ी हो सकती है। आप एक बड़े क्रिएटर अगर बन भी गए, पहली बात तो किसी का मतलब झूठी अफवाह फैलाने से और किसी की बदनामी करने से और किसी को एक्सपोज करने से तो क्या आप आगे बढ़ोगे? मेरे को तो नहीं लगता आप आगे ऐसा बढ़ोगे। उनको जो है काटा है सांप ने, तो आप गॉड से प्रेयर करो, उनके खिलाफ झूठी अफवाह ना फैलाकर लोगों को अच्छी बात बताओ कि हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी हमारी ऑडियंस, जो भी व्यूवर्स हैं हमारे देख रहे हैं, तो गॉड से प्रेयर करें कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए, ठीक हो जाए हैं। तो मैं सिर्फ जो है 12 घंटे हुए हैं उनकी वीडियो अपलोड हुए, 12 घंटे में कम से कम हमने 60-70 वीडियो देख चुकी है हेटर वाली, जो कि बहुत कुछ अनाप शनाप लिखा है टाइटल और थंबनेल में। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अब ये सोचो कि वो भी इंसान कितनी मेहनत करके, कितना स्ट्रगल करके कहाँ से कहाँ पहुंचा है। एक समय था शायद उसके पास कुछ भी नहीं था, और आज एक समय है कि 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर, यानी कि 25 मिलियन सब्सक्राइबर है उसके पास, और उसने बहुत ही कम समय में मेहनत करके, स्ट्रगल करके, हार्ड वर्क करके और बहुत कुछ अचीव कर लिया, जो कि सरकारी नौकरी करने से या बहुत ऐसी चीजें हैं करने से वो सब चीजें नहीं आप ले पाओगे जीवन में कभी भी। बहुत ही कम समय में YouTube की अर्निंग से बहुत कुछ कर लिया और एक बहुत ही बड़ा नाम तैयार कर लिया, जो कि नाम आप लोग जानते हो कि क्रेजी एक्स वाई जेड अमित भाई अपने। तो बहुत से हेड्स फैलने लगे हैं। अभी एक लेटेस्ट अपडेट आई थी,
जट प्रभजोत, आप लोग तो जानते हैं कि वो मोटो व्लॉगिंग करते हैं, उनका नेपाल में एक्सीडेंट हो गया था, तो उनको भी, उनके ऊपर भी तमाम वीडियो बनने लगी कि ये, और मतलब घमंडी है, ये है वो है, मर गया, डेथ हो गई, लास्ट राइड, मतलब बहुत से ऐसे वीडियो। सिद्धू मूसे वाला जैसे हमारे बहुत ही अच्छे जो है सिंगर थे, पंजाबी सिंगर, एक बहुत ही बड़ा नाम जाना माना और बहुत ही बड़े पॉपुलर सिंगर थे जो कि, और उनका जैसे ही जो शूट किया जाता है, डेथ हो जाती है उनकी, तो बहुत ही कुछ बोलते हैं, बहुत ही अफवाह फैलाते हैं। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए किसी के साथ भाई। किसी माँ का बेटा गया है, किसी बहन का भाई गया है, किसी बाप का बेटा गया, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए किसी इंसान को। मतलब हेट्स तो फैलाना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो चलो यही मैं कहता हूँ कि आप गॉड से प्रेयर करें कि वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाएं, और उन्हें कोबरा सांप ने काटा है, वो अब तो अपडेट आई थी, वो जल्द से जल्द सही भी हो जाएंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं, एंटी वेनम इंजेक्शन दे दिया गया है उनको। बस मेरा कहने का यही मतलब है कि आपके जो अल्लाह हैं, भगवान हैं, जो भी, जो जिन आप देवी देवताओं को मानते हैं, तो उनसे प्रेयर करिए कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, ना कि उनके बारे में हेट्स फैलाइए और ना झूठी अफवाहों को लेकर अपडेट दीजिए किसी को। तो मैं यही चाहता हूँ कि बस यही जागरूक करना चाहता था आप लोगों को कि किसी का यार मजाक ऐसे नहीं उड़ाना चाहिए। मैं तो ऐसा हर किसी के साथ भाई, ये समय एक जैसा नहीं रहता किसी के साथ, दिन बदलते हैं, कभी आप अच्छे दिन के साथ गुजरोगे, आपके साथ बुरे दिन भी आएंगे, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए किसी के साथ। तो बाय बाय, बस आज के वीडियो में इतना ही कुछ था। और हमारे शशिकांत और मोहित भाई जो रो रहे हैं, तो आप लोग क्लिप तो देख ही चुके हैं, ये तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कभी आप जो है ऐसी सिचुएशन के साथ गुजरो और आपके साथ भी कोई ऐसे वीडियो बनाए। जब आप किसी के साथ गलत नहीं करोगे तो आपके साथ भी गलत नहीं होगा कभी। ये था कि जो है हेट्स ना फैलाओ यार किसी के खिलाफ, और झूठी अफवाहें ना फैलाओ बस, ताकि ये ना हो कि जो हमारा चैनल है कि अमित भाई की वजह से ग्रो हुआ है। बस मेरा कहने का मतलब ये नहीं, मेरा खुद, मैं अपने दम पे जो भी करूँगा, मैं अपने खुद के दम पे सब कुछ तैयार करूँगा, मुझे किसी का नाम लेके आगे नहीं बढ़ना है। बस तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे ब्लॉग जल्द ही आने वाले हैं, मैं ट्रिप पे अभी जाऊंगा तो डेली ब्लॉगिंग करूंगा, तो अच्छे अच्छे शायद ब्लॉग आई होप मैं दे पाऊंगा आप लोगों को। तो बस प्यार और सपोर्ट बनाइए रखिएगा, तो मिलते हैं जल्द ही आप लोगों को।